हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल मौर्य आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएम फार्मा क्लासेस। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। और बताएं, फिलहाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टाइलिस। तो डिस्टाइलिस क्या होता है, इसका यूज़ क्या कहाँ और कैसे होता है। वैसे आज का जो ड्रग्स हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कार्डियक के लिए ड्रग्स बना हुआ है, इसका हम लोग कार्डियक में ही यूज करते हैं। मेनली जब हमारी पल्स रेट स्लो होती है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद अपने हार्ट के लिए, जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स आती है, क्लॉटर वगैरह का भी होने लगता है ना, तो अटैक की समस्या होने लगती है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग डिस्टाइलिस लीव का यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टाइलिस लीव के बारे में। इसके डिस्कशन में हम लोग पढ़ेंगे आज जो भी है स्टार्टिंग से लास्ट तक। आप लोग पढ़े वीडियो देखते होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा कि हम लोग आज कैसे पढ़ने वाले हैं और पहले भी कैसे पढ़ते थे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, हम लोग आज तक कई वीडियो पढ़ चुके हैं अपना। हमारा लेक्जेटिव कंप्लीट हो चुका है। लेक्जेटिव में 5 ड्रग्स थे, एलोवेर, बार, कस्टर ऑयल और सगला सेनालिप्स। 5 कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो आज का है ये कार्डियोटोनिक्स है। कार्डियोटोनिक्स में 2 ड्रग्स हैं, ओनली 2। एक डिस्टाइलिस लीव है और एक अर्जुना बार्क है। तो ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कार्डियोटोनिक्स नाम से ही मालूम चलता है कि हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट से रिलेटेड ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछला जो हम लोग वीडियो पढ़ रहे तो कब से था, कॉन्स्टिपेशन वगैरह था, उसमें लेक्जेटिव था। तो आज का जो हम लोग का वीडियो है ये हार्ट के रिलेटेड से है, जो उसमें ड्रग्स पढ़ने वाले हम लोग। 2 ड्रग्स है, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो ठीक है, आइए पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जानते होंगे, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर लगा के प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहें, जिससे कि आपको हेल्प मिले, आपके यार दोस्त जो भी हो, फैमिली रिलेटेड है, जो फार्मेसी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो मेडिकल से संबंधित हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो लोग नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल पीपल्स, उनके लिए भी ये ड्रग्स और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये ड्रग्स हम लोग सब लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिए, कि ये मेरी एडवाइस है। क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि मार्केट जाकर के ले आए और ला करके अपना यूज करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक में इसकी ड्रग्स है, होम्योपैथिक के लिए भी है, उसमें ड्रग्स अपना दूसरे हिसाब से आता है, दूसरे उसमें आता है, और जो हमारा एलोपैथ है इसमें दूसरे हिसाब से आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, ड्रग्स सब में आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से आप सलाह ले करके इसको यूज करिएगा, इससे कि आपको कोई दिक्कत ना, अगर कोई दिक्कत हो तो आप डॉक्टर से मिल सकें जाकर के, उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टाइलिस लीव। ठीक है, मिलते हैं आगे। दोस्तों, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसा ड्रग्स है जो कार्डियोटोनिक के ग्रुप में आता है। कार्डियोटोनिक ग्रुप में 2 ड्रग्स आते हैं, डिस्टाइलिस लीव एंड अर्जुना बार्क। तो इन दोनों ड्रग्स को हम लोग पढ़ेंगे आज बारी बारी से। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे डिस्टाइलिस लीव। तो ये जो कार्डियोटोनिक्स है, ये हमारा फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोनोसिस सब्जेक्ट है, उसका ये एक टॉपिक है, इसका नाम कार्डियोटोनिक्स है। उस टॉपिक में 2 ड्रग्स हैं, मैंने दोनों बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं डिस्टाइलिस लीव। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टाइलिस लीव। डिस्टाइलिस लीव में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे में इसमें भी लगा पहले स्टार्टिंग से हमारा सैनोनिम्स होता है। सैनोनिम्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति का दूसरा नाम। ठीक है, किसी व्यक्ति का दूसरा नाम क्या हो सकता है वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि तो आप लोग के यहाँ भी अलग अलग लोग होते हैं, सबके अलग अलग नाम्स होते हैं, तो वैसा इसमें भी है। एक दवा जो होती है, एक ड्रग्स होता है, उसके कई नाम अलग अलग होते हैं, वही सैनोनिम्स होता है। तो ठीक है, देखें सैनोनिम्स में क्या लिखते हैं इसमें हम। साइनोनेम्स इसका है फॉक्स ग्लो लीव। क्या नाम है? फॉक्स ग्लो लीव। फॉक्स ग्लो लीव्स एंड एक और बोलते हैं फोलियो डिस्टाइलिस। क्या है दूसरा? फोलिया डिस्टाइलिस, ये हमारा सारा नेम्स हो गया। इसके बाद हम लोग बोटेनिकल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बोटेनिकल सोर्स क्या होता है इसका?
बोटेनिकल सोर्स, इसका जो बोटेनिकल सोर्स है उसका नाम डिस्टैलिस परफ्यूरी है। क्या नाम है? डिस्टैलिस परफ्यूरी। ठीक है, देखते हैं। डिस्टैलिस परफ्यूरी है, ठीक है। इसके बाद हम इसके फैमिली के बारे में जानते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की फैमिली भी होती है तो उसका हम किसी सदस्य के बारे में जानते हैं, उसकी फैमिली के बारे में भी जानना जरूरी, किस फैमिली से बिलोंग करता है ना, कैसा है, कैसा खतरनाक तो नहीं है, कैसा फैमिली उसका है ना, देखना जरूरी होता है। वैसे हम इसके फैमिली के बारे में देखेंगे। फैमिली, इसकी फैमिली का नाम है स्क्रोफुलरेसी, स्क्रोफुलरेसी। ठीक है, अब इसके जियोग्राफिकल सोर्स के बारे में देखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का कोई प्रॉपर स्थान होता है ना, कहाँ पैदा होता है, या जहाँ पास जैसे रेतीले में रेत, जहाँ रेत ज़्यादा होती है, जहाँ राजस्थान ज़्यादा है, मतलब राजस्थान रेत ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा लोग रहते नहीं, लेकिन जहाँ अच्छा माहौल है, अच्छे पेड़ पौधे, अच्छे नदियाँ हैं, जहाँ जहाँ मतलब हमारे सुख सुविधाएँ की चीज़ें होती हैं, हम लोग वहीं रहते हैं। वैसा इसमें भी होता है, जैसे किसी व्यक्ति का प्रॉपर स्थान हो गया तो वैसे इसमें भी किसी भी ड्रग्स का अलग अलग जगह होता है, कोई ड्रग्स एक ही जगह नहीं होता, कोई साउथ में होता है, कोई वेस्ट में होता है, कोई नॉर्थ में होता है, वैसे इसका भी है, तो अलग अलग कंट्री में भी होता है। तो इंडिया में हमारे कई जगह पाए जाते हैं, जैसा कि ये देखते हैं। इसका जियोग्राफिकल सोर्स जो है मेनली हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है, हमारे इंडिया में, मेनली जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद अदर कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज में पाया जाता है, जैसा कि इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस हो गया, और लिखना और लिख लीजिए, यूरोपियन कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका भी है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। हम लोग देखने वाले हैं इसका कलेक्शन कैसा होता है। कलेक्शन में दोस्तों, जैसा कि डिस्टैलिस लीव है, ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, काफ़ी अच्छी दवा है, जैसे कि बोल सकते हैं इसको हम, जैसे कि डिस्टैलिस लीव ग्रोविंग इन गुड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, मतलब एक ड्रग्स का काफ़ी अच्छा ये होता है। ठीक है, आइए लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को लिखना भी हो जाए। डिस्टैलिस लीव ग्रोविंग इन गुड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ये एक अच्छा ड्रग्स होता है। जैसे कि और इसको कब कलेक्ट करते हैं, तो ऑब्टेंड फ्रॉम लीव्स कलेक्शन। आप लोग अगर ना दिख रहा होगा तो आप लोग मेरी आवाज़ से लिख सकते हैं, ठीक है, लीव्स कलेक्शन सितंबर टू नवंबर बाय हैंड, मतलब इसको हाथ से ही कलेक्ट किया जाता है बाय हैंड। एंड और कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि इसे कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, तो लिख सकते हैं इसमें
इट इज डिसकलर्ड लीव, इट इज डिसकलर्ड लीव्स। बस ये हो गया इसका करेक्शन। अब हम इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में देखते हैं। इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो एक ही है, इसमें हम लोग देखेंगे उसका स्ट्रक्चर हम आपको बना के दे देते हैं। आप लोग स्ट्रक्चर भी बना लीजिए, उसका नाम भी देख लीजिए क्या नाम है उसका। हम काफ़ी चीज़ें लिखवा नहीं रहे, फालतू चीज़ें जो होती हैं, जैसा कि इसमें काफ़ी विस्तार से बताना डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो हमको उससे मतलब नहीं। हमारा जो भी मेन चीज़ है, अगर आपका ऑप्शनल एग्जाम हो रहा तो ऑप्शनल में काफ़ी अच्छा होगा, अगर ऐसे हो रहा है रिटर्न में तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसका नाम है ल्यूटियोलिन। क्या नाम है? ल्यूटियोलिन। ल्यूटियोलिन इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है उसको दिखा देखते हैं। ये हो गया और उसके बाद एक यहाँ से हो गया, फिर हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये हो गया और नीचे डबल बॉन्ड करके वो हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से एक और निकल जाएगा बेंजीन रिंग, ये हो गया। इसमें से एक OH इधर निकलेगा और एक OH यहाँ निकलेगा, बस सिंपल सतह हो गया। और एक OH हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा इसका जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके करेक्टर के बारे में, इसका करेक्टर कैसा होता है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, हम लोग जब करेक्टर के बारे में देखते हैं तो करेक्टर दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब जैसे कि एक माइक्रोस्कोपिक हो गया, एक माइक्रोस्कोपिक हो गया। माइक्रोस्कोपिक जो होता है, माइक्रोस्कोपिक में हम लोग किसी भी प्लांट के आउटर पार्ट को देखते हैं, जैसे आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट माइक्रोस्कोपिक। और उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोपिक बारे में देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक होता है उसका इनर पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब पेड़ के अंदर भाग को बोलते हैं ना वो माइक्रोस्कोपिक, और आउटर पार्ट को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टर में कैरेक्टर हो गया, इसके बाद माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में कई चीजें होती हैं, जैसा कि कलर हो गया, टेस्ट हो गया, लेंथ हो गया, और इसका वाइड, मतलब वाइड भी वाइड होगा, चौड़ा कितना है वाइड हो गया। उसके बाद इसका शेप हो गया, शेप कैसा होता है, और एक लास्टली हो गया ऑर्डर। ठीक है, ऐसे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका जो कलर होता है वो डार्क ग्रेइश होता है। क्या होता है? डार्क ग्रेइश, डार्क ग्रेइश हो गया। टेस्ट इसका बिटर होता है, टेस्ट इसका बिटर हो गया। ठीक है, तैयार है। उसके बाद हम लोग इसके लेंथ के बारे में देखते हैं, तो इसकी लेंथ होती है 10 से 30 सेंटीमीटर, 10 से 30 सेंटीमीटर वाइड होता है, 4 से अबाउट 10 सेंटीमीटर। इसका शेप जो होता है वो ओवेट होता है, शेप ओवेट हो गया। उसके बाद इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके यूज के बारे में देखते हैं, इसका यूज कहाँ कैसे होता है। स्टार्टिंग हमने बताया था आपको, ये हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा यूजफुल होता है, हार्ट से रिलेटेड यूज वो इसका ड्रग्स इसका यूज है। हार्ट में जैसे किसी को दिक्कत होती है तो उसी में इसको यूज किया जाता है। तो ठीक है, कुछ लिख देते हैं इसमें, आप लोगों के साथ बता तो ही है, आपको कुछ लिखना ही पड़ेगा जिससे आप लोग समझ सकें। ठीक है, तो लिखते हैं स्टाइलिस लीव यूज्ड ऑफ इंक्रीजेस एक्टिविटी कार्डियक मसल्स।
डेल्टा एलिस लीव्स यूज्ड एज इंक्रीज द एक्टिविटी कार्डियक एक्टिविटी कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स को से एक्टिविटी को काफ़ी इंप्रूव करता है। उसके बाद थोड़ा सा लिख लेते हैं एक लाइन, जैसा कि द कंट्रक्शन ऑफ हार्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक इंक्रीजेस एंड यूज ऑफ आल्सो प्रिपेयरिंग ऑफ हार्ट ड्रग्स। ठीक है, इसे लिखते हैं हम लोग, इट इज आल्सो यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक पेशेंट। हम इसका यूज कार्डियक पेशेंट के उसमें करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आज का ड्रग्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कल का ड्रग्स जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम अर्जुनाबार के बारे में पढ़ेंगे, अर्जुनाबार क्या होता है, उसका यूज कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।